हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं NCL एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट HEMM ऑपरेटर और डील ऑपरेटर के लिए इंग्लिश ग्रामर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द लार्ज कंट्री, डैश डैश के साथ क्या भरा जाएगा, जिसमें से ग्रामर ए एंड द का प्रयोग हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पार्ट बाय पार्ट डिस्कस कराएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन, इंडिया इज़ द लार्ज कंट्री, इंडिया इज़ द लार्ज कंट्री एल है, तो एल के साथ हमेशा ए लगता है। आपके कहीं क्वेश्चन में ए ई आई ओ यू पूछता है तो उस जगह पर ए एन लगेगा। अगर आपके साथ कॉन्सोनेंट या स्वर, स्वर जिसमें ए ई आई ओ होते हैं उसमें ए एन लगता है, जिसमें व्यंजन होते हैं उसमें आपका लगता है ए, और जिसमें आपका द हिमालय, द बाइबल, द गीता, इस जगह पर आपका द का प्रयोग होता है, तो हम आज ए एन द का प्रयोग करेंगे। इंडिया इज़ द लार्ज कंट्री, मतलब पहला अक्षर क्या है, ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फिल होगा। दो नंबर क्वेश्चन है, सी इज हवर्स लेटर, हवर्स क्या है, एक साइलेंट है, क्या है हवर्स, एक साइलेंट है, जिसमें ए एन का प्रयोग होगा। तीन नंबर क्वेश्चन, आई हैव डैश डैश वन रुपीस नोट, आई हैव डैश डैश वन रुपीस नोट, आपको बताना है कि तीन नंबर में क्या होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चार नंबर क्वेश्चन है, ही इज यूरोपियन, ही इज यूरोपियन, यहाँ लास्ट वर्ड ई है तो ई के साथ आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ए। पांच नंबर क्वेश्चन है, वंस देयर वाज किंग, किंग के शब्द के पहले अक्षर क्या लगेगा, आपको बताना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। छः नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी आर अराइव्ड ऑन 4th of July, इसमें आपको खाली स्थान में फिल करना है क्वेश्चन देख के। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4th of July, मतलब यहाँ पर होगा द का प्रयोग होगा। सात नंबर क्वेश्चन है, आई गो टू जयपुर वंस वन ईयर्स, मतलब आई गो टू जयपुर वंस ईयर, तो ईयर की जगह पर आपको क्या वर्ड यूज करना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अ जो है वो व्यंजन है, व्यंजन के साथ हमेशा अ का प्रयोग होता है। आठ नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका इज आइसलैंड, जो श्रीलंका है ये आइसलैंड है, तो यहाँ पर दिए गए शब्द के खाली स्थान में क्या फिल करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। ऑप्शन नंबर बी जो है एन, ए ई आई, आई जो होता है वो स्वर है और स्वर के साथ हमेशा ए एन का प्रयोग होता है, साइलेंट को छोड़कर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि। नौ नंबर क्वेश्चन है, आई एम टॉलेस्ट बॉय हेयर, आई एम टॉलेस्ट बॉय हेयर, तो ये खाली स्थान पर दिए गए वर्ड में क्या यूज होगा, आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द का प्रयोग। दस नंबर क्वेश्चन, आई सेल बी बैक इन हावर्स, तो हावर्स की जगह पर हमेशा क्या प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ए का प्रयोग होता है। माउंट एवरी रेस्ट इज हाईजेस्ट पीक, तो इसमें से 11वां में से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा द हाईएस्ट पीक, मतलब एवरे माउंट एवरेस्ट, मतलब कहीं चोटी शिखर की बात करें उस जगह पर द का प्रयोग होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको पार्ट बाय पार्ट इंग्लिश की ग्रामर कराने जा रहे हैं। ये आज हमारा पहला पार्ट है इंग्लिश के ग्रामर का, जिसमें से हम आर्टिकल यूज करेंगे, ए एन द का प्रयोग यूज करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, हॉनेस्ट्री इज बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्ट्री इज द बेस्ट पॉलिसी,
जिसमें होगा सी द का प्रयोग होगा हॉनेस्टी, हॉनेस्टी मतलब ईमानदार, ईमानदार की जगह पर आपका द का प्रयोग होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हाउ फाइन डे इट इज, हाउ फाइन डे इट इज। तो आपको 13 नंबर पर दिए गए खाली स्थान के जगह पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ए होगा, क्योंकि जो डी है वो हमेशा क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन की जगह पर ए का उपयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है स्विच ऑफ लाइट, स्विच ऑफ लाइट इस जगह पर आपका कौन सा वर्ड यूज होगा, कौन सा वर्ड यूज होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर जो सी है द का प्रयोग होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है भ्रष्ट इज होनेस्ट मैन, 15 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो हॉनेस्ट है एच साइलेंट है और ए के साथ होगा, हॉनेस्ट जो है साइलेंट है और ए के साथ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पार्ट बाय पार्ट आपको एनसीएल की तैयारी करवा रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है विच इज हॉनेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, विच इज डैश 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 हॉन लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। 16 नंबर पर आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो रिवर अगर कहीं भी पूछे, लंबी नदी पूछे, समुद्र पूछे, तो उस जगह पर द का प्रयोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 17 नंबर क्वेश्चन है रस्टम वास यंग प्राइस, तो उस जगह पर आपको क्या यूज करना है, उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाई भी एक व्यंजन है जिसमें ए का प्रयोग होगा। अलाहाबाद इज द होली सिटी, अलाहाबाद इज द होली सिटी, तो अलाहाबाद के जहाँ पर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है एच है मतलब व्यंजन है, ए का प्रयोग होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है सी लुक हैज स्टूपिड हैज वोल्स, इस जगह पर आपका कौन सा प्रयोग होगा, उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है वो एन होगा, क्योंकि ओ जो है वो क्या है व्यंजन है। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट ब्यूटीफुल सिंस दिस इज, जो ब्यूटीफुल है वो जगह पर क्या यूज होगा आपको बताना है, ब्यूटीफुल तो ऑप्शन नंबर जो है वो है आपका ए, ए का प्रयोग होगा, क्या होगा ए का प्रयोग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। 21 नंबर क्वेश्चन कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया, डैश डैश में क्या फील करेंगे, उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्या द का प्रयोग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है ईरान इज यूजफुल मेटल, आयरन सॉरी आयरन इज द यूजफुल मेटल, जो आयरन है लोहा है उसको डैश डैश पर आपको बताना है, आयरन इज द यूजफुल मेटल, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यूजफुल, जो यू है वो साइलेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पार्टीशियन हैज नॉट स्लेप्ट ऑल नाइट, तो आपको बताना है 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द का प्रयोग। 23 डैश 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 डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सेवर्ड, तो आपको बताना है 23 का कौन सा होगा, उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है ब्रेकफास्ट इज द रेडी फॉर अस, जो ब्रेकफास्ट है उसमें क्या यूज करेंगे, इसमें नन ऑफ द उपयोग होगा ब्रेकफास्ट की जगह पर, क्योंकि ए भी एन भी द भी नहीं आएगा, इसे नन ऑफ द डी जो है करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले द हॉकी, तो इसमें भी जो आपको आएगा ए भी नहीं आएगा द एन भी नहीं आएगा और द भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है नन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है दिस इज बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश, बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश,
ग्रामर तो आपका कौन सा होगा, 26 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा, द का प्रयोग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 नंबर कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर सी द का प्रयोग होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, वी ड्रिंक डैश डैश वाटर, तो डैश डैश की जगह पर आपको बताना है कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ द, वाटर की जगह पर कोई भी शब्द उपयोग नहीं होगा। ही बिलीव्स लाइक फूड, डैश डैश पर क्या फील होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, डैश 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 विजडम ऑफ द सोलोमन इज फेमस, तो आपको 29 में से जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द का प्रयोग होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 इंच मेक फुट आपको बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 12 इंच मेक फुट, तो आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें से होगा ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड जो है एक व्यंजन है जिसमें ए का प्रयोग होगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और भी पार्ट देखना चाहते हैं, मैथ देखना चाहते हैं, करंट अफेयर्स, ट्रैफिक रूल्स, सामान्य विज्ञान, डीजल एंड पेट्रोल इंजन, मोटर व्हीकल एक्ट, तो आप हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जरूर विजिट करें, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और भी इंग्लिश का वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, पार्ट 2 देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।